Hello students, welcome to RSAI online class, class 7, subject mathematics. We are continue to discuss chapter 2. Today we are discuss exercise 2.4, question number 3. Find 3, 1 upon 2 divide 4 and 6, 4, 3 upon 7 divide 7. One by one discuss karte hain. Fifth part, 3, 1 upon 2 divide 4. Ab dekhiye next fraction mein. सिंपल फ्रैक्शन इसको मल्टीप्लाई करेंगे और जो न्यूमरेटर पार्ट है उसको ऐड करते हैं. 3 2 6 6 में 1 प्लस करेंगे 7, 7 अपॉन 2 डिवाइड 4. अब 4 के पोस्ट में कुछ नहीं तो आप क्या लगा सकते हो, 1 लगा सकते हो. अब डिवाइड को सिंपलीफाई करना हमें आता है. डिवाइड को हटाइए, आप क्या लगाइए, मल्टीप्लाई से, और डिवाइड के बाद वाली जो डिजिट है उसको रेसिप्रोकल कर देंगे. 7 अपॉन 2 डिवाइड को हटाया आपने, मल्टीप्लाई लगाया. ऑलवेज रिमेंबर डिवाइड के जो बाद वाले डिजिट है उसको रेसिप्रोकल, इट मींस उल्टा करके राइट कर देंगे. 4 अपॉन 1 है तो 1 अपॉन 4. डिवाइड को सॉल्व करने का ये इजी वे, अगर डिवाइड को हटाना है क्या लगाना है, मल्टीप्लाई, और डिवाइड के बाद जो डिजिट है उसको उल्टा करके राइट कर देना. जो कैंसिल हो रहा है तो ऊपर नीचे आप कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कैंसिल नहीं हो रहा, तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. 7 बनता है 7 एंड 4 टू इज 8. न्यूमेरेटर न्यूमेरेटर पार्ट से डिवाइड और मल्टीप्लाई होते हैं, और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर पार्ट से मल्टीप्लाई करके आप राइट करें. 7 अपॉन 8 दैट इज आंसर. ऐसे ही आपको 6 पार्ट करने हैं सॉल्व. नेक्स्ट फ्रैक्शन में सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. 7 4 जा 28, 28 में 3 प्लस करो 31, 31 अपॉन 7 डिवाइड 7. नेक्स्ट फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट कर दिया. 7 के अपॉन में कुछ नहीं तो आप क्या लगा सकते हो, 1 लगा सकते. अब वही सिंपल सॉल्व करना हमें आते ही, डिवाइड को हटाया हमने क्या लगाया, मल्टीप्लाई. डिवाइड के बाद वाली डिजिट को रेसिप्रोकल करके राइट कर देंगे, 1 अपॉन 7. अब कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, लेकिन यहाँ पर हो नहीं रहा क्योंकि 31 प्राइम नंबर है और 7 प्राइम नंबर, तो कैंसिल नहीं होगा. 31 को 1 से मल्टीप्लाई किया 31, और 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया 14, दैट इज आंसर. इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट. 2 अपॉन 5 डिवाइड 1 अपॉन 2 एंड 4 अपॉन 9 डिवाइड 2 अपॉन 3. वन बाय वन डिस्कस करते हैं. फर्स्ट पार्ट 2 अपॉन 5 डिवाइड 1 अपॉन. अब देखिए डिवाइड को सॉल्व करना है. इससे पहले हमने क्वेश्चन किए थे डिवाइड को हटाना है, मल्टीप्लाई लगाना है, इसके बाद वाली डिजिट को रेसिप्रोकल करके राइट करना है. 1 अपॉन 2 मींस 2 अपॉन 1. रेसिप्रोकल मींस क्या होता है, उल्टा करके राइट. अब देखिए न्यूमेरेटर न्यूमेरेटर से मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4 एंड 5 1 जा 5, दैट इज आंसर. ऐसे सेकंड पार्ट सॉल्व कर दो आप. 4 अपॉन 9 डिवाइड 2 अपॉन 3. 4 अपॉन 9 डिवाइड को हटाने क्या लगाने, मल्टीप्लाई, और ऐसे प्रोकल करके राइट कर दो 3 अपॉन 2. अब देखिए कैंसिल आउट हो रहे हैं तो कैंसिल कर सकते हो. 2 4 से कैंसिल हो सकता है, 3 9 से कैंसिल हो सकता है. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9. 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया एंड 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 1 जा 3, दैट इज आंसर. इसके बाद हम एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस करते हैं. विच इज ग्रेटर, फर्स्ट पार्ट 0.5 और 0.05, सेकंड 0.7 और 0.5. वन बाय वन सॉल्यूशन देखते हैं इसका. फर्स्ट पार्ट 0.5 और 0.05, हम क्या करेंगे, डेसिमल को हटाएंगे. डेसिमल के बाद जितनी डिजिट होती है अपॉन में उतने ही 10 लगा देंगे, मतलब उतने जीरो लगा देंगे वन के साथ. डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 1, इट मीन्स डेसिमल हटाया हमने तो अपॉन में क्या लगेगा, 10. डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 1 2, इट मीन्स डेसिमल को हटाएंगे और 2 जीरो लगेगा इसमें, इट मीन्स 100. अब देखिए डिनोमिनेटर को सेम कर देंगे हम. डिनोमिनेटर यहाँ पर सेम नहीं है, यहाँ 10 है और यहाँ पर 100, तो एलसीएम लेंगे सेम करने के लिए. 10 एंड 100 का एलसीएम लेंगे. अब देखिए एलसीएम लेते हैं यहाँ पर, 10 एंड 100 का एलसीएम,
टू से डिविजिबल है फाइव, ये 50, अगेन टू से डिविजिबल है फाइव 25, ये फाइव से डिविजिबल है 1 5, फाइव फाइव से डिविजिबल 1 5, तो हम सब तक डिवाइड करते हैं, दोनों डिजिट को राइट कर लेते हैं, दोनों डिजिट को राइट करके और प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, जब तक हमारे पास 1 1 नहीं आए, इससे पहले भी हमने इस टाइप के एलसीएम लिए भी है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो डिजिट है 2 2 4 4 5 20 25 100, इट मीन्स 100 एलसीएम आएगा। एलसीएम क्या है हमारे पास, एलसीएम ऑफ 10 and 100, इसका एलसीएम हमारे पास है 100। अब देखिए जो एलसीएम है उसमें डिनोमिनेटर डिजिट का डिवाइड करेंगे, 100 में 10 का डिवाइड किया तो क्या आएगा हमारे पास 10, इट मीन्स 5/10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर पार्ट को भी और डिनोमिनेटर पार्ट, 5/100, ये वाली जो फ्रैक्शन है हमारे पास 5/100। अब इसमें डिनोमिनेटर क्या है 100, एलसीएम हमारे पास 100, तो एलसीएम 100/100 1 आएगा, इट मीन्स इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए मल्टीप्लाई करके राइट करें, 5 times 50 एंड 10 times 100, 5 5 एंड 100 100, डिनोमिनेटर हमारे पास सेम हो गया। जब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर की जो डिजिट है अगर वो लार्ज है तो इट मीन्स वो बिग नंबर होगा, स्मॉल है तो स्मॉल नंबर होगा, तो ये 50 और 5 चेक करेंगे, 5 स्मॉल होता है 50 से, इट मीन्स जो ये 50 is greater than 5. 50/100 की जो फ्रैक्शन है हमारे पास वो कौन सी है, हमारे पास डेसिमल नंबर 0.5, greater than 5/100 की जो फ्रैक्शन थी हमारे पास वो थी 0.05 is greater than 0.05 is greater than 0.0, that is half. Second part भी ऐसी करेंगे, second part 0.7 और 0.5, decimal लगाएंगे, decimal के बाद 1 digit, it means upon में 10 लगेगा, इसमें भी upon में 10 लगेगा, क्योंकि decimal के बाद single digit है। अब देखिए denominator already same है, multiply LCM लेने की requirement पड़ी नहीं, क्योंकि LCM जब लेते हैं हम जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, अलग अलग हो, उसका एलसीएम लेते हैं। अब यहाँ पर एलसीएम लेने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं हमारे पास, तो डिनोमिनेटर पहले से सेम है, इट मीन्स जो न्यूमरेटर वाली डिजिट अगर बिग है हमारे पास, बड़ी है तो इट मीन्स वो लार्ज नंबर होगा और छोटी है तो स्मॉल नंबर होगा, तो 7 और 5 में कौन छोटा होता है 5, इट मीन्स 7/10 एंड 5/10, 7/10 की जो अपन जो हमारे पास डेसिमल नंबर है वो है 0.7, इज ग्रेटर देन 0.5 और इसका जो डेसिमल पार्ट है वो 0.5, इट मीन 0.7 इज ग्रेटर देन